हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर चैनल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, स्टार स्पोर्ट वन हिंदी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इसी के साथ में दोस्तों, आप बहुत सारे चैनल एक्टिवेट कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों MPG 2 में यहाँ पर बहुत मुश्किल से डिडिफ्रिडिश में ये चैनल चलते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन चैनलों को एक्टिवेट कर पाओगे MPG 2 में। सो गाइस, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने होंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो गाइस, मेरे कुछ पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसकी जो सेटिंग अप्लाई की होगी आपने, तो यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर नहीं चल रहे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस तरह की वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ अभी देख सकते हैं मेरे पास डिडिफ्रिडिश है, और अभी देख सकते हैं मैंने कुछ सेटिंग अप्लाई की थी पिछले वीडियो में, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको नई सेटिंग बताऊंगा, जिससे कि आपके जो सेटअप बॉक्स में वो वर्क कर जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों के वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिडिफ्रिडिश के चैनल है, इसी के साथ में बहुत सारे जो भी पेड चैनल भी चल रहे हैं। अभी मैंने कुछ नए चैनल भी स्कैन किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोनी सेक्स है, ये भी चल रहा है, बट दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंने नए चैनल स्कैन किए हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ वो नहीं चलते हैं। तो उनको किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, जो कि नई ट्रिक्स है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने पहले परमेटर सेटअप से एक्टिवेट करके दिखाया था, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा अलग बताऊँगा। तो देख सकते हैं स्टार प्लस हो रही जो कि है इनक्रिप्ट आ रहा है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन्हें एक्टिवेट करोगे। इनक्रिप्ट है, बट यहाँ पर इसमें सिग्नल भी आ रहा है, 35-36 के अंडर इसमें सिग्नल आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एक्टिवेट करना है। सबसे पहले मेन्यू में जाना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रोग्राम सेटअप में जाना है। एड न्यू प्रोग्राम में आप देख सकते हैं जो भी फ्रिक्वेंसी है वो सही है, क्योंकि दोस्तों सिग्नल आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपको बैक आ जाना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको सिस्टम सेटअप में आ जाना। सिस्टम सेटअप में जैसे ही जाओगे, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन सॉफ्टवेयर अपग्रेड में जाना है, और यहाँ पर आपको P2M करना है, P2M, और ऑल हो जाएगा ब्लर। उसके बाद में स्टार्ट पे ओके करना है, ऑल चलो मशीन आर रेडी, तो ओके प्रेस करना है आपने रिमोट से। जैसे ही ओके प्रेस करोगे, तो आपको 2 से 3 सेकेंड वेट करना है, बस आपका जो है काम हो गया है। और आप देख सकते हैं अभी मैं मेन्यू जैसे ही प्रेस करूँगा, तो जो चैनल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस, यही था वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये सेटिंग आपके बॉक्स में अप्लाई नहीं होती, तो मैंने और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, और आपको आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा, वो देख के आप और सेटिंग अप्लाई करके ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ मिस ना कर पाओ।